हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लिव विद किसनील में आप सबका स्वागत है। गाइस, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज मैं अपने उलझे हुए बालों को सुलझा के दिखाऊंगी आपको। तो देख सकते हैं आप, ये मेरे उलझे हुए बाल हैं और एक दिन के पूरे उलझे हुए बाल हैं, तो इनको मैं सुलझा के दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने साइड से पार्टीशन कर लिया है और ऐसे आप अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर सकते हैं, बाल ज़्यादा टूटते नहीं हैं। अब मैं कॉम्ब से बालों को अच्छे से सुलझाऊंगी। तो ऊपर के जो बाल हैं मैं वो थोड़े थोड़े पोर्शन में लेके उनको सुलझा रही हूँ। तो देख सकते हैं आप, बालों का थोड़ा पार्टीशन लेकर आप उसको सुलझाइए। अगर एक साथ सारे बालों को सुलझाएंगे तो सुलझेंगे नहीं, बाल ज़्यादा टूटते हैं। तो जैसे मैं सुलझा रही हूँ, ऐसे ही आपको ऊपर से लेके नीचे तक थोड़े थोड़े बालों को सुलझाते हुए सुलझाएंगे, तो बाल आसानी से सुलझ जाते हैं और ये टूटते नहीं हैं। तो मैंने ऊपर के बाल सुलझा लिए हैं, इसके बाद अब नीचे के बालों को सुलझा रही हूँ। तो बाल थोड़े से टाइट हो गए थे क्योंकि एक दिन के उलझे बाल थे और अभी इजली बाल एक साइड के सुलझ गए हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ दूसरे साइड के मैं बालों को सुलझाऊंगी। तो उसके लिए भी मैं ऊपर के बालों में कॉम्ब कर रही हूँ, इसके बाद नीचे के बालों में करूँगी। तो थोड़े थोड़े पोर्शन लेके ही बालों को कॉम्ब करेंगे। और जो ज़्यादा उलझे बाल हैं तो इसके लिए हाथ से हम थोड़ा पार्टीशन कर लेंगे बालों को, उलझे बालों को सुलझा लेंगे। और गाइस, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर। मेरी हेयर केयर की वीडियो आपको कैसी लगती है आप बताएं ज़रूर, और मेरी वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित हुई है मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो देख सकते हैं गाइस, मैंने ऊपर के बालों को कॉम्ब कर लिया है। अब नीचे के जो बाल बचे हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके ही सुलझाएंगे, नहीं तो फिर उलझ जाएंगे। और बालों को सुलझाने का यही सही तरीका है, इससे आपके बाल टूटते नहीं हैं। और हो सके तो आप रेगुलर ही बालों को सुलझाइए, अगर उलझा के रखेंगे तो फिर बाल ज़्यादा टूटते हैं। ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी इसलिए मैंने बालों को सुलझाया नहीं, वरना मैं डेली बालों को सुलझाती हूँ, इसीलिए मेरे बाल सही हैं और इनकी ग्रोथ भी सही है। वरना अगर मैं बालों को उलझा के रखूँगी तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली ही बालों को अपना सुलझा के ही रखिए। तो ये मेरे बाल सुलझ गए हैं, देख सकते हैं आप, और बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो का एंड तक देखने के लिए आप सबका थैंक यू।